सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सुमेश प्रताप सिंह, एमबीबीएस थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम यूपीएमएस सैफई। दोस्तों, आज की वीडियो रहने वाली है बहुत ज़्यादा खास, क्योंकि आज की वीडियो में मैं पहली बार किसी भी चीज़ की अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ दोस्तों। और जो ये अनबॉक्सिंग रहने वाली है वो रहने वाली है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिले गए टैबलेट की। दोस्तों, आज हमारे बैच एमबीबीएस 2021 को यूपीएमएस सैफई में टैबलेट का वितरण हुआ था। तो चलिए दिखाते हैं आपको टैबलेट और दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो करते हैं शुरू। तो ये है टैबलेट जो कि है एसर ओनेट, जो मुझे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से डिजी शक्ति योजना के तहत मिला है। और इसी के साथ ही साथ मिला है ये कवर। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कवर की कवर कैसा है। कवर तो मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है, लेकिन अब देखना है कि टैबलेट कैसा होगा। तो कवर को हम रख देते हैं साइड से और अब खोलते हैं अपने इस एसर वन एट टैबलेट को। चलिए गाइस, तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि ये टैबलेट कैसा है। सबसे पहले इसके फीचर देख लेते हैं। इस पर लिखा हुआ है पावर्ड बाई एंड्रॉयड, और जो इसका रियर कैमरा है वो 8 MP का है और फ्रंट कैमरा 2 MP का दिया हुआ है। और बाकी तो इसमें मुझे कुछ खास पता नहीं है, लेकिन जो इसकी रैम है वो 3 GB है और 32 GB रोम है। बाकी अगर बैटरी की बात करें तो वो है 5100 mAh और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी हुई है और 4G सपोर्ट करता है और वाईफाई भी यूज कर सकते हैं। बाकी इसमें एक माइक्रो सिम और एक TF कार्ड भी डाल सकते हैं। और दोस्तों, इसकी स्क्रीन की बात करें तो वो है 8-inch मल्टी टच। चलिए दोस्तों, अब करते हैं इसको ओपन। तो इसको मैं हटा देता हूँ इसके बॉक्स को। और गाइस, ये है टैबलेट एसर कंपनी से। और इसके बॉक्स के अंदर देखते हैं कुछ है शायद, और एक चार्जर और ये दोस्तों USB केबल दी है एक, जो कि टाइप बी है। टाइप सी नहीं है दोस्तों, इसमें टाइप बी है। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। छोटा सा 10 वाट का चार्जर दिया हुआ है, जिनको हम रख लेते हैं एक साइड से। और एक ही आ गई इसकी USB। खास बात यह है कि इसमें एक हेडफोन भी दी गई है, ईयरफोन जिसको कहते हैं वायर्ड, जो कि अब बंद हो गई थी लेकिन इन्होंने डाली है। भाई, एक ये यूजर मैनुअल भी है, इसको हम रख लेते हैं साइड से। इन सारे सामान को हम एक साइड रख देते हैं और हम खोलते हैं अपने टैबलेट को। तो ये है दोस्तों एसर का टैबलेट। चलिए दोस्तों, इसके देख लेते हैं बाहर से फीचर्स क्या क्या हैं। तो यहाँ पर एक पोर्ट दिया हुआ है चार्जिंग के लिए और एक पोर्ट दिया हुआ है हेडफोन के लिए। वहीं दोस्तों, यहाँ पर एक मेमोरी कार्ड और यहाँ पर एक माइक्रो सिम डाल सकते हैं। इस साइड में कुछ नहीं है, सारा कुछ इन्होंने ऊपर को ही दे रखा है। और 8 MP का ये रियर कैमरा और 2 MP का फ्रंट कैमरा है दोस्तों। और इसकी जो स्क्रीन है वो 8 इंच दी है। चलिए अब इसको करते हैं ऑन। एसर पावर्ड बाय एंड्रॉयड, उत्तर प्रदेश सरकार। थैंक यू उत्तर प्रदेश सरकार फॉर दिस गिफ्ट। रिटर्न ले रहा है। तो दोस्तों, इसके जो फॉर्म भरे गए थे वो भरे गए थे 2021-22 में, और ये अब हमको मिला है डिजी शक्ति अध्ययन। दोस्तों, ये ओपन हो चुका है और अभी मैंने इसको इंटरनेट से कनेक्ट नहीं किया है। बाकी इसकी
स्क्रीन की अगर बात करें तो थोड़ी स्मूथनेस कम है, लेकिन बाकी स्क्रीन भी ठीक ठाक है। और अगर टैबलेट की सरफेस की बात करें तो पीछे से ये मैट फिनिशिंग है, बाकी सामने से भी ठीक ठाक ही है। तो जो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो अध्ययन करने वाले युवा हैं उनके लिए ये तकनीकी सशक्तिकरण हेतु ये योजना है, जिसके तहत सभी को टैबलेट व स्मार्टफोन वितरण किया गया है। हम लोगों को मिला है टैबलेट और कुछ लोगों को मिला है स्मार्टफोन। तो दोस्तों अभी तो टैबलेट की क्वालिटी ठीक ठाक ही देखने में लग रही है, और बाकी इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं कैसा ये काम करता है। इसका 2 या 3 महीने बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा आपको ये कैसा काम कर रहा है। तो ये वीडियो को यहीं पर कर देते हैं, मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।